स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम मिनरोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। मिनरोलॉजी में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल एक वीडियो कर चुके हैं, उसी का ये अगला भाग है या अगला पार्ट है उसका, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स पार्ट टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। तो कुछ मिनरल होते हैं जैसे कि कार्बोनेट मिनरल्स या फिर सल्फाइड मिनरल्स जो होते हैं, तो उन वो जब एसिड के साथ जब भी वो संपर्क में आते हैं, उनके साथ ये कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एफरवेसेंस शो करते हैं। एफरवेसेंस, EFFERVESCENCE, एफरवेसेंस मतलब इनमें एक तरीके का फिज निकलता है। जैसे आप ही फिज पीते हो, है ना, तो उसमें क्या होती है, चिल्ड होती है, यानी कि जो उसका लिक्विड होता है उसमें बुलबुले उठते हैं, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं फिज। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते तो क्या होता है, एफरवेसेंस होती है। क्या अगर मतलब एफरवेसेंस का क्या मतलब है, वहाँ पर जैसे जो लिक्विड है उसमें बुलबुले उठते हैं, तो उसको बोलते हैं एफरवेसेंस। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है मिनरल की, कि जब हमारा मिनरल एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है, उसको टच करता है, उसके संपर्क में आता है, तो वो एफरवेसेंस शो करता है। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है मिनरल की। ठीक है, जो सिलिकेट्स और फेरोमैग्नीशियन मिनरल्स होते हैं, ये कोई एफरवेसेंस शो नहीं करते। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। अब जिन्होंने पहला वीडियो देखा है वो बोलेंगे सर पॉलीमॉर्फिज्म तो हम कर चुके हैं। हाँ, तो पॉलीमॉर्फिज्म की हमने डेफिनेशन करी थी, उसके टाइप्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पर जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए मैं एक बार दोबारा यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। ठीक है, तुम ऐसा मत करना कि दोनों पार्ट्स में अलग अलग करना, ठीक है, तुम इससे बस टाइप्स कॉपी कर लेना, क्योंकि जिन्होंने पहले वो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो टाइप्स यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक मिनरल आर टू और मोर मिनरल्स दैट हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। यानी ऐसे मिनरल जिनका सेम केमिकल कंपोजिशन हो पर उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग हो। ठीक है, तो कोई मतलब मिनरल जो है जब क्रिस्टलाइज करता है, अगर वो एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज कर जाता है तो हम इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है भाई, मिनरल की क्षमता एक से ज़्यादा तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज करने की, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स आ जाते हैं ऑन द बेसिस, सबसे पहले टाइप्स देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। कितनी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं मिनरल की, उसके बेसिस पे देखें तो दो टाइप हैं, डाइमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक में क्या है, हमारा मिनरल जो है या जो केमिकल कंपाउंड जो है वो हमारे दो डिस्टिंक्ट फॉर्म में, दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दो फॉर्म्स में होगा। ठीक है, दो फॉर्म्स में हमको देखने को मिलेगा। और जो ट्राइमॉर्फिक में वही मिनरल हमारे तीन फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। तो व्हेन द केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट्स इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक फॉर्म, एंड व्हेन द केमिकल कंपाउंड इज व्हेन द केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट्स इन थ्री डिफरेंट या थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इज कॉल्ड ट्राइमॉर्फिक। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल हैं, डाइमॉर्फिक का एग्जाम्पल है कैल्साइट और एरागोनाइट, और ट्राइमॉर्फिक का है एक एग्जाम्पल तो ये वाला है रूटाइल, एनाटेज एंड ब्रूकाइट, मतलब ये तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा एग्जाम्पल है ये वाला, ऑर्थोक्लेज, माइक्रोक्लाइन एंड सैनिडाइन। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स के केस में बात करें, जो एलिमेंट्स के केस में हमें पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स देखने को मिलती हैं उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन केस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा टाइप, मतलब ये दूसरा टाइप तो नहीं है, एक तो कहा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। ठीक है, इसमें दो टाइप्स थे, डाइमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब एक मिनरल को हमने चेंज किया दूसरे मिनरल में, वो मिनरल क्या वापस उसी मिनरल में चेंज हो जाता है पहले वाले में, तो ये रिवर्स हो जाता है, है ना। ऐसे अगर रिवर्स अगर हो पाए तो उसको हम बोलते हैं इनांशियोट्रॉपी। इनांशियोट्रॉपी मतलब व्हेन द पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस आर इंटरचेंजेबल। जैसे कि डायमंड है, डायमंड को हम ग्रेफाइट बना सकते हैं, ग्रेफाइट से हम डायमंड बना सकते हैं, तो ये इंटरचेंजेबल है, तो इसको बोलते हैं इनांशियोट्रॉपी। ENANTIOTROPY। जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज से ट्राइडाइमाइड बना सकते हैं और ट्राइडाइमाइड से क्वार्ट्ज वापस बन सकता है, तो ये इंटरचेंजेबल है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनांशियोट्रॉपी। ठीक है, ट्राइडाइमाइट की स्पेलिंग है TRIDYMITE। अब देखो मोनोट्रॉपी मतलब क्या था, मोनो मतलब था एक। ठीक है, यानी कि व्हेन द सब्सटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अदर बट नॉट द रिवर्स। यानी कि जैसे डायमंड है
मतलब जैसे एग्जांपल है मार्कासाइट, मार्कासाइट से पाइराइट तो बना दिया, बट अब हम पाइराइट से वापस मार्कासाइट नहीं बना सकते, तो इसको बोलते हैं मोनोट्रॉपी। जब हम सब्सटेंस को चेंज करके एक दूसरा बना देते हैं पर उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, उसका उल्टा हम पॉसिबल नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं मोनोट्रॉपी। जैसे यहाँ पे तो डायमंड से ग्रेफाइट बनाया, उसका रिवर्स भी कर दिया, ग्रेफाइट से डायमंड बन गया, ठीक है, तो ये एनिसोट्रॉप हो गया। बट जो मार्कासाइट से पाइराइट बन गया पर पाइराइट से अब मार्कासाइट नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं मोनोट्रॉपी। अगला है हमारा होमियोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये होमियोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो कुछ मिनरल होते हैं जो कि क्रिस्टल हैबिट में रिजेंबल करते हैं पर उनका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब ऐसे मिनरल्स जिनकी क्रिस्टल हैबिट तो सेम है, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है उसका वो सेम है, बट उनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है डिफरेंट, तो ऐसे ही मिनरल को हम बोलते हैं होमियोमॉर्फ्स, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं होमियोमॉर्फिज्म, HOMEO और मॉर्फिज्म, MORPHISM, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है रुटाइल और जिरकॉन जो है, ये दोनों टेट्रागोनल हैं, ठीक है, यानी क्रिस्टल हैबिट इनकी टेट्रागोनल है पर दोनों की केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होती है, ठीक है। अगला है हमारा पैरामॉर्फिज्म। अब पैरामॉर्फिज्म में क्या होता है, इन दिस फिनोमिना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस टू दैट ऑफ पॉलीमॉर्फस फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन द एक्सटर्नल फॉर्म या फिर आउटर अपीयरेंस। इस फिनोमिना में क्या होता है, जो क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीमॉर्फस फॉर्म में बदल जाता है पर उसके आउटर अपीयरेंस में या जो एक्सटर्नल फॉर्म है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं पैरामॉर्फिज्म। इसका एग्जांपल है जैसे कि रूटाइल जो है ब्रोकाइट में बदल जाता है, एरागोनाइट जो है कैल्साइट में बदल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। वीडियो में कुछ पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा बुरा कैसा भी हो कमेंट करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, आपका भी भला होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, हमारा भी भला होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।